Welcome to the Polity series of Study IQ. I'm Amit Varidhi

जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उस पर यूजलीटिव एग्जाम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है बट वंस इन वाइल्ड सारी की सारी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें से एक या दो एनसीक्यू कभी ना कभी आ जाते हैं ज़्यादातर उनका फोकस रहता है रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन मतलब कि कौन इसमें चेयरमैन होता है कौन वाइस चेयरमैन है कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है इस प्रकार की जो ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से बेस्ड जो डेटा होता है वो एमसीक्यू से रिलेटेड पूछा जाता है दो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स हैं यानी कि अगर यूपीएससी का मेन्स हो गया या जहां पर ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं वहां पर इन किसी भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वर्किंग उसके प्रोज उसके कॉन्स उसकी सक्सेस उसकी कमियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट नाउ आवर फोकस इज बेसिकली पॉलिटी एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम परसपेक्टिव ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नाउ इस साल का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा सिर्फ इस साल का नहीं इंडियड फ्रॉम लास्ट वन और टू ईयर्स द चेंजिंग पैटर्न एक्चुअली स्टेब्लिशेज की पॉलिटी का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वो यूपीएससी का पेपर जहां पर कट ऑफ 110, 115 के करीब जाया करती थी या वर्स्ट केस में भी 105 डिफिकल्ट पेपर में भी 105 की जो कट ऑफ रहती थी अब उसी एग्जाम की कट ऑफ जो है वो 90 से 92 तक आ चुकी है द स्पेसिफिक रीजन इज दैट कि द नेचर ऑफ द क्वेश्चन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन है कंसेप्चुअल एंड उनका जो नॉलेज बेस द सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो ट्रीमेंडसली वाइड हो गया है and this is where the polity remains the most strongest savior of your clearing the exam whatever happens in that exam kitna bhi wild weird unexpected kabhi bhi koi bhi exam aa raha hai usme sirf aur sirf actually में सिर्फ़ नहीं, basically there are some subjects but the main subject out of it is polity जो कि आपको हमेशा save कर सकता है. पॉलिटी चाहे ऑब्जेक्टिव हो या पॉलिटी चाहे कॉन्सेप्चुअल हो पॉलिटी चाहे करंट अफेयर से एसोसिएटेड हो या फिर स्टेटिक्स से एसोसिएटेड हो पॉलिटी के अंदर कितने भी टर्न्स एंड ट्विस्ट देने के बावजूद भी 10 से 15 क्वेश्चंस पॉलिटी में आते हैं एंड इनवेरिएबली इफ यू आर वेरी वेरी गुड विद लक्ष्मीकांत इफ यू हैव एब्सोल्युटली डन योर लक्ष्मीकांत

स्कोर कर सकते हैं विल स्टार्टिंग विद दिस कि लक्ष्मीकांत की जो इंपॉर्टेंस है जैसे जैसे कट ऑफ ज्यादा कम होती है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है इंटरेस्टिंगली जब ज्यादा कट ऑफ भी जाती थी तो भी लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी बिकॉज ये आपको 10-15 क्वेश्चन कराने में काफी हेल्प करती है एंड इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इफ द क्वेश्चन इज वेरी क्वेश्चन पेपर इज वेरी डायनेमिक इफ क्वेश्चन पेपर इज वेरी कंफ्यूजिंग इज क्वेश्चन पेपर इज वेरी वाइल्ड वाई क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं कोई भी क्वेश्चन पूछे वन वे और दी अदर एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन को इधर उधर छोड़ के आप सारे के सारे क्वेश्चन को आप लक्ष्मीकांत या फिर किसी और पॉलिटिक की बुक इट डजेंट मैटर द पॉलिटी बुक विच यू आर फॉलोइंग सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं एनी अदर अगर आप डीडीसी डीडी बसु या सुभाष कश्यप भी फॉलो कर रहे हैं यू विल बी एबल टू ट्रेस द पॉलिटी क्वेश्चन क्योंकि पॉलिटी बदल नहीं सकती है एक्सेप्ट फ्यू करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि बुक में नहीं दिए होते हैं उसके लिए आपको करंट अफेयर बुकलेट्स फॉलो करनी पड़ती है

स्टेचुटरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा बनाई जाती है ठीक है अभी इस समय दो बॉडीज एन आई ए और एनडीए में ये दोनों की दोनों स्टेचुटरी है यानी कि एक लॉ एक एक्ट एक पार्लियामेंट का एक्ट एग्जिस्ट करता है जिन्होंने इन दोनों बॉडीज को एग्जिस्ट कराया है अब इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फोकस में मतलब दर इज नथिंग एज फार एज दी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस हमें सिर्फ यह जानना है स्लाइट बैकग्राउंड माइनर इंट्रोडक्ट्री बैकग्राउंड की क्यों बनाया गया था इन दोनों बॉडीज को एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इनके फंक्शंस अब जो इनके फंक्शंस हैं उनके फंक्शंस पे क्वेश्चन कभी कभी एम सी क्यू पे आ सकते हैं वन सन् वाइल बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं कंपोजिशन से रिलेटेड की जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन है या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है तो इस तरीके के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जो कि आपको इस लेक्चर्स के द्वारा कंप्लीट करने हैं लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी 2009 में बनाई गई थी बाय द एक्ट इट इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी इसका मतलब ये पार्लियामेंटरी बनाई है और उस पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था उसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हम इसके बात करेंगे वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 2003 में सुनामी आई थी देश के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ऊपर एक आतंकवादी हमला कर दिया गया था आपको पता होगा दैट इज एन इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे हर एक भारतीय को पता है एवरीबडी अंडरस्टैंड ट्वेंटी का जो अटैक था सो so ये दोनों का बेसिकली दिस इज द बैकग्राउंड दिस इज द मेन रीजन वाई दिस ऑर्गनाइजेशन वर एक्चुअली क्रिएटेड जैसे ही वो छब्बीस छब्बीस नवम्बर दो का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर जिसमें से uh, रेबियंसी के द्वारा दस आतंकवादी uh, मुंबई में घुस पाए थे घुस गए थे और उन्होंने बेसिकली काफी सारे लोगों को मोर देन थ्री हंड्रेड लोगों को उन्होंने मारा था तो उसी एक्ट की वजह से उसी अटैक की वजह से इट वॉज नेसेसरी कि काउंटर टेररिज्म एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी को क्रिएट किया जाए जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऐसे बड़े आतंकवादी हमलों को रोकना ट्रेस करना उनको आ, किसी प्रकार से देश को ऐसे हमलों से बचाने का था एंड दैट्स आइडिया फाइनली जर्मिनेटेड फाइनली वाज कंसीडेड इनटू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये देश की सबसे बड़ी केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था जिसको 26/11 इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है उसी की वजह से उसी के बैकग्राउंड में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडीड नवंबर में ये अटैक हुआ था और दिसंबर के जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट विद इन 1 मंथ के अंदर पास कर दिया गया था दिस रियलाइज्ड वो जो अटैक था इट वाज अ काइंड ऑफ हॉरर स्टोरी लगातार दो से तीन दिन तक बेसिकली न्यूज चैनल्स के ऊपर जो वो उस अटैक की जो कवरेज हुई थी द uh, government, द पीपल एक्चुअली रियलाइज दैट वी नीड वेरी फोकस्ड पर्पज क्योंकि दिस दिस अटैक फ्रॉम द पाकिस्तान ये जो फियर था ये जो है ये कंटिन्यूंस है ये आने वाले सिचुएशन में पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो इसी प्रकार से इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगी और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक फोकस्ड रिक्वायरमेंट थी विच इज़ नाउ बींग फुलफिल्ड बाई दी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेपरेट फेडरल एजेंसी मिली थी जो कि सिर्फ और सिर्फ टैर इससे पहले जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते थे वो स्पेसिफिकली या तो सी बी आई होती थी या फिर बेसिकली जो स्टेट पुलिस होती थी जहाँ पर भी अटैक होता था वो हो, वो फॉलो किया के देते दे थे ई इस समय न्यू दिल्ली में बेस्ड है ठीक है ये लॉजिकली वाली बात है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो सबसे मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है देन देर आर सेवरल ब्रांच ऑफिस हैदराबाद गुवाहाटी मुंबई लखनऊ कोची कोलकाता जम्मू एंड रायपुर ठीक है नथिंग एल्स इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ और सिर्फ टेरर रिलेटेड इशूज को फोकस नहीं करती है ये टेरर फाइनेंसिंग यानी कि जो फेक

से एसोसिएटेड और टेरर फंडिंग से एसोसिएटेड केसेस को भी इस समय एनआईए हैंडल करती है डायरेक्टर जनरल इसको हेड करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पावर एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स इन स्टेट पुलिस फोर्स का जो सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी होता है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं राइट उसी प्रकार से जो एन का है सेम लेवल के उस एक इंडिविजुअल को एक आई ऑफिसर को एनआईए को हेड किया ए को हेड करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उसकी डेजिग्नेशन होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो एन को हेड करता है दिल्ली के अंदर ये बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है अब एन आई ए वर्कस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज काइंड ऑफ लॉजिकल इंटरनल सिक्योरिटी राइट ये हम दे ये हमारे देश को हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी जो टेरर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इंसिडेंट हो सकते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनल सिक्योरिटी एंड आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश दिस वेरी क्लियरली कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो होम मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होता है गृह मंत्रालय जो है उसका काम है देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करना I actually, मैं आपको इस बात के ऊपर फोकस या फिर इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं कि बिलीव मी जब मैं स्टडी करता था मुझे पहले दो या तीन साल तक यह बात समझ नहीं आती थी किन्फ्यूज अबाउट इट सो ना यह बात आपको अच्छी तरह से याद रहे कि जब भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एसोसिएटेड होता है दो इन बी कमिंग इन दिन अपक स्लाइड में एनडीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी Also comes under the purview of Ministry of Home Affairs. ये बात मैंने आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन याद करने के लिए बताई है कम टू दैट तो NIA और एनडीए दो दोनों अलग अलग लग रही है एक आतंकवाद से एसोसिएटेड एसोसिएटेड डिजास्टर डिजास्टर है है और एक नेचुरल से ऑर्गेनाइजेशन uh, ये दोनों की दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट्स को सारी की सारी अगर एनआईए कुछ भी प्रमोट करता है तो जो भी कोऑपरेशन होती है दे प्रोवाइड ऑल दी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इट्स इट्स फेडरल सबसे ये फेडरल एजेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देती है अब जो बॉर्डर स्टेट हो गया गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू एंड कश्मीर हो गया तो ये सारे की सारी जो स्टेट्स हैं जहां पे आतंकवाद का ज्यादा खतरा है बिकॉज दे आर एक्चुअली बॉर्डरिंग दी पाकिस्तान तो यहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एनआईए के साथ सेकेंड ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर आतंकवाद का अटैक हो सकता है महाराष्ट्र डज नॉट बॉर्डर विद पाकिस्तान बट जो आतंकवादी हमला हुआ था वो मुंबई में हुआ था तो उस वजह से हर जहां पर भी किसी भी प्रकार का एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दाकिस्तान रिलेटेड टेर किसी भी एनी काइंड ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटी जो होगी उसको एनआईए हैंडल करती है इसको हम बात करते करते ये बात पर कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान ही कर रहा है ठीक है इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बेसिकली म्यांमार के या कुछ वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं अगर वो किसी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्व हो जाते हैं दैट ऑल्सो गोज विद दी एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीम्स लाइक अ लॉजिकल थिंग टू डू एन आई ए जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि क्या रीजन है ठीक है दे जस्ट एक्चुअली टोल्ड दी पार्लियामेंट या फिर इंडिया को बताने की लोगों को बताने की कोशिश की गई थी कि अगर हम ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों बना रहे हैं देखो सबसे पहले ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ लार्ज स्केल टेररिज्म स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर्स विच वॉज डायरेक्टली पॉइंटेड आउट टू द पाकिस्तान काफ़ी सारे से कई सारे से टेररिस्ट हमले हो रहे थे फ्रॉम द लास्ट ओवर लास्ट डेकेड और बिकॉज द स्केल ऑफ़ मुंबई अटैक अटैक वॉर सो लार्ज की बेसिकली अब नहीं रुका जाना था देर अटैक्स उससे पहले भी हुए थे सिर्फ 2008 में ही कोई पाकिस्तान के द्वारा फाइनेंस्ड टेरर अटैक नहीं हुआ था उससे पहले भी कई डेकेट तक होते रहे हैं बट नाउ बेसिकली ये था कि दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल इन नंबरेबल इंसिडेंट हुए मिलिटेंसी से एसोसिएटेड इंसर्जेंसी से एसोसिएटेड जो कश्मीर वाला एरिया था उसमें मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी से एसोसिएटेड टेरर अटैक तीन डेकेट से चल रहे थे उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से एसोसिएटेड जो नक्सलिस्ट नक्सलिज्म से जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं कम अंडर दी टेरर रिलेटेड और इसके अलावा अलावा जो मेजर सिटीज़ थे इवन चाहे वो दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया हैदराबाद हो गया बेंगलोर हो गया वहाँ पर भी कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं हैंस देर वॉज ए नीड कि एक फेडरल एजेंसी एग्जिस्ट होनी चाहिए जो टेरर को हैंडल करे दूसरा ये जितने भी इंसिडेंट्स थे ये छोटे या लोकलाइज नहीं थे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देर इज सेवरल इंटर लिंकेजेस कॉम्प्लेक्स इंटर स्टेट इंटरनेशनल लिंकेजेस होते थे इसके साथ साथ जो हथियारों की स्मगलिंग होती है ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है आ, फेक करेंसी से एसोसिएटेड जो होते हैं बॉर्डर पाकिस्तान की से या फिर म्यांमार की साइड से जो इन्फिलिट्रेशन होती है जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होती है ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर एसोसिएटेडेड ड्रग्स बेच के जो पैसा आता है वो पैसा यूज़ किया जाता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए सो so, देर वो इंटरलिंकेजिज हैं वो इंटर स्टेट से भी ज्यादा हट के वो इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते थे जिसको जो लोकल पुलिस के पास रिसोर्स थे जो लोकल पुलिस की जो इंटेलिजेंस थी वो थोड़ी सी इनकेपेबल थी उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एंड हेंस इंडिया बेसिकली नीडेड ए फेडरल एजेंसी जो इन चीज़ों को एक लार्जर स्केल पर एक नेशनल स्केल के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके And this is the reason why NIA was created. This basically basically our idea. Now, NIA's function. See, we created NIA by the National Investigation Agency Act of 2008. Now, NIA is mandated to investigate and prosecute offences under the various acts mentioned in the schedule of the NIA Act. If गूगल के द्वारा एक एन एक्ट को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे उस एक्ट के अंदर उस लॉ के अंदर एक शेड्यूल uh, दिया हुआ है और उस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि एन ये सारे के सारे इश्यूज को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या इसके लिए लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकती है एन काउंटर टेररिज्म अगर हम ओवरऑल उन सारे के सारे शेड्यूल के अंदर जो जो चीज़ें मैंशन है उसको एनालाइज करें सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब ये है कि जो और दूसरी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं रॉ हो गई आईबी हो गया सीबीआई हो गई कोई भी हो गई दोनों चाहे सेंट्रल पे हो या स्टेट गवर्नमेंट पे हो उनके साथ वो इनपुट शेयर भी कर सकती है उनसे कलेक्शन भी कर सकती है उनके साथ कोलेबरेट भी कर सकती है फंक्शन बेसिकली एन को क्या क्या है नाम बताते देखो सबसे पहले टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेज जो कि एन एक्ट में लिखे हो हैं

कोई भी पॉसिबल मेजर्स लेने के लिए उनको मैंडेट मिला हुआ है कि एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोई भी पॉसिबल मेजर्स ले सकते हैं jurisdiction क्या है डज इज पे जाकर ये लोगों को पकड़ सकते हैं कहां जाके ये लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सो द द ऑफ अब यहां पे एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का ठीक है कहीं ना कहीं पे कुछ पूछ पूछा जा सकता है सो इसको जरा ध्यान से सुनो NIA क्या क्या करती है उसकी जूरिसन क्या है वट डज इट एग्जैक्टली डू इंडिया की सॉवेरिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस होता है उसको एन इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है कंकरेंट जुरिस्डिक्शन के साथ यानी कि अगर किसी और की है तो वो रहेगी एन आई ए कैन ऑल्सो प्रोसिक्यूट एंड इन्वेस्टिगेट दैट सो फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन इशूज जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ या फिर बेसिकली कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया की सेंट्रल हो या स्टेट हो uh, ऐसे किसी इश्यू को इन्वेस्टिगेट करती है जिसे सॉबिटी सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी पर खतरा हो उसके ऊपर कॉन्कुरेंट जुरिस्टिक्शन है एनआईए भी कर सकती है वो तो कर भी सकते हैं पहले वाले ऐसा भी उनसे नहीं हटाया गया है एनआईए कैन ऑल्सो डू इट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंडिया की सिक्योरिटी पे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स के ऊपर किसी प्रकार का खतरा बनता है और और इंटरनेशनल टेरिटरीज अग्रीमेंट्स कन्वेंशन रेजोल्यूशन ऑफ यू एन ओ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट हैज ए वेरी वेरी वाइड जुरिस्टिक्शन टू पुट इट माइंड

बॉम ब्लास्ट हो गया हाईजैक एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग हो गई कोई शिप को हाईजेक कर लिया गया बट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी जो अटैक है दैट वुड बी एक्चुअली इन्वेस्टिगेटेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन ऐसा बड़ा वाला मिसाइल या कोई न्यूक्लियर एटम बॉम्ब अगर किसी ने यूज कर लिया है तो एन आई एज दूरी ओवर दैट होप वी विल नेवर नीड that jurisdiction to be actually tried आज तक नहीं पड़ी है और हमें होप रखनी चाहिए कि कभी जिंदगी में क्या आने वाली जिंदगियों में भी कभी ना पड़े 2019 में एक एक्ट आया था अमेंडमेंट एक्ट NIA को NIA एक्ट को अमेंड किया गया था जिसमें उसकी ज्यूरिसडिक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था और उस एक्सटेंशन का मतलब यह है कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंटर फिट करेंसी मतलब कि नकली फेक करेंसी से नकली नोट बनाने वाले कुछ कोई काम करते हैं मैन्युफैक्चर और ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को भी एन आई ए इन्वेस्टिगेट कर सकती है सो द ओनली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर और रिवाइज इन एज फर एज द एन आई ए इज एसोसिएटेड उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी ज्यूरिस्टिक्शन क्या है वट एग्जैक्टली डज एन आई ए डेस्टिगेट क्या क्या चीजें करती है बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट अटैक्स हाईजैकिंग्स अटैक्स ऑनक्लियर इंस्टॉलेशन इट्स क्वेश्चन विच कैन बी आस्ट की अगर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इस चीज को कौन सी इंडिया की एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी वेल वी आर वेरी क्लियर उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंटर फीट करेंसी बैंक नोट्स प्रोहिबिटेड uh, को आर्म्स कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई सेल कर रहा है साइबर टेररिज्म कॉन्करेंट जूरिस्टिक वो तो कर ही रही है जरूरत पड़ने पर एनआईए भी कर सकती है एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसिस से like इससे ही ज्यादा ईजी दूसरे वाली है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसा मैंने पहले ही बताया आपको जैसे ये ट्वेंटी सिक्स बाई इलेवन के अटैक्स के बाद हमें Uh, एहसास हुआ ज़रूरत पड़ी कि एक फेडरल एजेंसी होनी चाहिए टेररिस्ट टैक्स के लिए सिमिलरली जब 2003 में सुनामी आई थी ठीक है uh, अपने इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में तो वी रियलाइज की वी नीड अ नेशनल प्लान वी नीड अ कंप्लीट नेशनल डायरेक्टेड प्लान फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अच्छा जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है यू नो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के और कैसे ज़्यादा क्लाइमेट और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया फेसिस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स राइट अगर आप आ, हिली स्टेट्स में चले जाएंगे तो वहां पर लैंड स्लाइड्स होने की ज्यादा संभावना है राजस्थान में लैंड स्लाइड्स नहीं होंगी अगर आप जो कोस्टल स्टेट्स में चले जाएंगे वहां पर सुनामी आने की संभावना ज्यादा है सुनामी का जो इश्यू है वो हरियाणा या पंजाब को नहीं होगा अर्थक्वेक की जो सिचुएशन है उसके लिए बेसिकली स्पेसिफिकली आप अलग अलग स्टेट जो कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं दे आर मच मोर प्रोन उसके बाद कुछ स्टेट्स जो हैं दे आर मच मोर प्रोन टू फ्लड्स जैसे कि हो गया बिहार हो गया या फिर जो गंगा के गंगा के किनारे पे जितनी भी स्टेट्स हैं दे आर मच मोर प्रोन टू फ्लड्स जो राजस्थान हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया दे आर मच मोर प्रोन टू ड्रॉट्स सो एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड देन देर आर सम जो कि नेशनल डिजास्टर भी हो सकते हैं जैसे कि कोरोना कोरोना वायरस जो था इट वाज अ नेशनल डिजास्टर उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही हैंडल किया गया था राइट right? नीड अ कंक्रीट प्लान क्योंकि हमारा डेढ़ सौ करोड़ लोगों का जो ये घर है उसमें किसी भी समय में किसी भी कमरे में किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार का कोई ना कोई खतरा मंडरा सकता है इन डीड एवरी ईयर इधर इन अ लोकलाइज डेफिनेटली इन अ लोकलाइज मैनर किसी ना किसी प्रकार का क्राइसिस नेचुरल डिजास्टर डेफिनेटली होता ही होता है डिजास्टर का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ नेचुरल हो मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं जैसे कि भाई कहीं इंडस्ट्रियल जगह पर कोई गैस लीक हो गया राइट सो उन चीज़ों सबके लिए एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम के लिए वी हैव एक्ट विच नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड 2005 में बनाया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया कि यार एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो नेशनल प्रायोरिटी है ऐसा नहीं है कि सुनामी के बाद ही पता चला था कि डिजास्टर होते हैं डिजास्टर तो क्राइसिस जो है नेचुरल डिजास्टर तो वो रेगुलरली होते रहते हैं उसमें तो उसको कोई रोक उसको कोई रोक नहीं सकता नेचुरल डिजास्टर्स को कोई नहीं रोक सकता यू कैन नॉट स्टॉप एन अर्थ यू कैन नॉट स्टॉप एन वॉल कैनो यू कैन नॉट स्टॉप एन सुनामी यू कैन नॉट स्टॉप अ साइक्लोन और ये कुछ तो है जो कि एनुअली आते हैं जैसे साइक्लोन्स की जो प्रॉब्लम है वो एनुअली आती है अर्थ को एक आर्बिट्रली रैंडम आता है सुनामी डेकेड में या दो डेकेड में एक बार आती है बट वी नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट सो हमें पहले से पता था दो उन्नीस में एक कमेटी बनाई गई थी एक 2001 में नेशनल कमेटी बनाई गई थी गुजरात में जो भुज में अर्थ को एक आया था कि आप रेकमेंड करें कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट बताते हैं और किस प्रकार से इन डिजास्टर्स को मिटिगेट किया जा सकता है मैकेनिजम्स बनाए जा सकते हैं बिकॉज एवरी डिज़ास्टर जो बड़े नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं अर्थ को एक और तो सुनामी वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ होता ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे नुकसान हो जाता है बट वो जो जान जो ह्यूमन रिसोर्सिस की जो लॉस होता है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है दिज आर सो बिग्स भुज का जो अर्थ को एक था सुनामी जो थी इंडियन ओशियन सुनामी ऑफ 2004 के बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि भाई काफ़ी समय हो गया ये कमेटी वमेटी बनाने की बात गई लेट्स गेट टू दी वर्क एंड फाइनली उन्होंने एक साल के अंदर अंदर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 2005 में एक्ट पास किया गया था इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वी आर ट्राइंग टू लर्न राइट नाउ एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट Authority. आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो प्रॉबर्टी आप में से कुछ लोग आई बनना, बनना चाहते हैं आईपीएस बनना चाहते हैं थर्टी परसेंट ऑफ आई एस जॉब इज बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट थर्टी परसेंट ठीक है कुछ होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कुछ होता है बेसिकली रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू रेकर्ड्स इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का एंड रेस्ट थर्टी परसेंट ऑफ दिस जॉब एक्चुअली इन नेशनल नैशनल डिजास्टर बेसिकली मैनेजमेंट जहां पर भी वो लोकेटेड होते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन एक अथॉरिटी एक एजेंसी बनाई गई है जिसका इशू है कि वो पूरे के पूरे देश के अंदर एक हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच इंप्लीमेंट करे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ठीक है पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी फाइनली एक्ट के द्वारा सो इट्स स्टैटूटरी बॉडी ठीक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट के द्वारा बनाई गई है इस समय पहले स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव और फिर वो बदल देते हैं उसको एक्ट बना देते हैं। ND, NDMA, एक चेयरपर्सन होता है एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग नाइन मतलब टोटल दस मेंबर हो सकते हैं वन प्लस नाइन अब यहां पे एक बात को ध्यान रखना शायद इस समय आप अगर अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं देर आर टू थिंग्स विच आर हाईलाइटेड एंड इज अ रीजन फॉर इट प्राइम प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दी एम एनडीएमए एक्स ऑफिशियो का मतलब जस्ट बाय बीइंग द वर्च्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसी को चूज नहीं करना है ओके okay? जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली एनडीएमए का चेयरमैन है there is no other process that needs to be followed ex officio just by being the virtue of his position he is the chairperson of ndma always so ndma ka jo chairperson hai wo hamesha prime minister rehta hai dusra agar hum dekhe ndma is under the administrative control of union minion union ministry of home affairs यानी कि technically आप सोच सकते हैं you can actually think about it कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन Home Ministry के अंडर आती है so technically जो Home Minister है यानी कि जो गृह मंत्री है उन्हीं को हेड करनी चाहिए थी उन्हीं को स्पीयर हेड करनी चाहिए थी बट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज सो सो इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर की इंटेलिजेंस इंटरवेंशन uh, उसके अंदर जरूरी थी ज्यादा थी इसीलिए इवन दो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनडीएमए के अंदर एनडीएमए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है उसके बावजूद भी उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं सो दिस इज अ ये याद करने के लिए रहेगा ये थोड़ी सी है स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है मेक एनी सेंस इसको सीधा पीएमओ के अंदर क्यों नहीं दे दिया या सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्यों नहीं दे दिया नए बड़दल है दूसरे बाकी नॉमिनेटेड बाई देयरपर्सन ऑफ द एनडीए में चेयरपर्सन ऑफ द एडीए में बदल नहीं सकता है, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो जो बाकी नौ मेंबर होते हैं एनडीए में के उनको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन ऑफ दी एनडीए में डेजिग्नेट्स वन ऑफ द मेंस चेयरपर्सन ऑफ एनडीए में और उन्हीं नो में से प्राइम मिनिस्टर एक को वाइस चेयरपर्सन यानी कि ये जो वाइस चेयरपर्सन ये डे टू डे का एनडीए को तभी डील करेंगे जब कोई क्राइसिस हो रखा हो अर्थक् फ्लड हो रखी है कहीं साइक्लोन है कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे पूरे देश में देन दी प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली टेकिंग डे टू डे डिसीजन इन जनरल जो ये चेयरपर्सन है ये बेसिकली करता धरता है that, that, that अपॉइटेड बाई दाइमर है और दूसरे जो मेबर होते हैं उनके पास स्टैटस होता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एनडीएमस बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिस इज as इंपॉर्टेंट एज फार एस दी एमसीड ठीक है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये एनडीएमए में टोटल दस मेंबर होते हैं राइट दस मेंबर मैक्सिमम है छह भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं ठीक है एक चेयरपर्सन होगा हो ही होगा और चेयरपर्सन हमेशा ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर होगा डन ठीक है दूसरा बाकी नौ 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 मैक्सिमम मैक्सिमम जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे आठ भी कर दे, भी कर कर दे दे सात और मेंबर होंगे उन नौ के नौ मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे या चेयरपर्सन टेक्निकली और उन्हीं नौ मेंबर्स में से एक को चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है ठीक है अब जो ये चेयरपर्सन अपॉइंटेड होता है इसका स्टेटस होता है कैबिनेट मिनिस्टर का सारे नौ में से सिर्फ वाइस चेयरपर्सन ऑफ दी ए रिमेंबर इट वाइस चेयरपर्सन ऑफ दी एजिंग दैबिनेट मिनिस्टर और बाकी के बाकी जो प्लेस और स्टैटस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट है एनडीए में एपेक्स बॉडी है इसमें कोई शक नहीं है इन्फॉर्मेशन दट यू नीड टू रिम्बर बट यू नीट टू रिमेबर दैट इट कम्स अंडर दी

एनडीएमए के ऑब्जेक्टिव्स क्या ना देर सिंपल सिंपल बात है नाम में सब लिखा नाम में ही बेसिकली पर्पस होता है ठीक है आप नाम से ही पर्पस पता चल जाता है उसमें कोई शक नहीं है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रिवेंट करना है प्रिपेयर रहना है रिजिलियंस डेवलप करनी है सारे के सारे लेवल पर थ्रू नॉलेज इनोवेशन एंड एजुकेशन हर लेवल पर मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर स्टेट के लेवल पर और नेशनल लेवल पर क्यों क्योंकि तीन प्रकार के अलग तीन प्रकार के डिजास्टर होते हैं देर आर सर्टन डिजास्टर्स विच आर ऑलवेज लोकलाइज्ड जो बहुत ही लोकलाइज हो सकते हैं जैसे कि अगर किसी इंडस्ट्रियल किसी इंडस्ट्री से या किसी फैक्ट्री से गैस लीक हो गया तो इट विल बी ओनली जैसे कि सिर्फ 50, 40, 50 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर ही वो डिजास्टर कंटेन हो सकता है राइट किया जा सकता है दूसरा इज द फ्लड जो कि यूजली सेवरल डिस्ट्रिक्ट Uh, में फैली हुई होगी एंड देन द द थर्ड वन इज बेसिकली अ अग अर्थक्वेक या फिर सुनामी या फिर कोरोना जैसे क्राइसिस जो कि पैन नेशनल या फिर मल्टीपल स्टेट्स के एसोसिएटेड में हो सकता है तीनों लेवल के जो प्रिपेयरनेस या प्रिवेंशन होती है या रिजिलियंस डेवलप करना है वो उद्देश्य है हमारे एनडीए में का वैन देर आर सर्टन वेरी स्मॉल वेरी लोकलाइज जैसे कि कहीं पर बिल्डिंग गिर गई

आए ना फ्लड पहले से प्रिपेयर हो मिटिगेट कर दो होने ना पाए चीजें डिजास्टर के अलावा वेट क्यों कर रहे हो लैंडस्लाइड कहीं पे होनी है तो टेक्नोलॉजी का यूज करके वी शैल आइडेंटिफाई सेंसिटिव एरियाज दो पर लैंडस्लाइड हो सकती है एंड देन टेक मेजर्स कि लैंडस्लाइड ना हो और अगर हो तो वी शेल एक्चुअली बी प्रिपेयर फॉर इट मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट में इन टू द डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस हम डिवेलपमेंटल प्लानिंग में मतलब कि भाई हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बना रहे हैं so, वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंटल के डेवलपमेंटल डेवलपमेंटलिंग उन सब में डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडेड हो व्हेन यू आर मेकिंग ए हाईवे व्हेन यू आर मेकिंग सिक्स लेन हाईवे या आठ लेन हाईवे बना रहे हो तो दैट ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड टेक दी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द फ्यूचर या अगर कुछ हो जाता है तो कैसे तैयार रहें? इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलीगल फ्रेमवर्क बनाने हैं ताकि हमें एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए रेगुलेशन का एक कंप्लायस एफिशियंट मैकेजम फॉर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डिजास्टर रिस्क डिजास्टर रिस्क रिस्क का मतलब ये अभी हुए नहीं है बट यहां पर रिस्क है यहां ड्रॉट आ सकता है इस चीज को आइडेंटिफाई करना कहां पर आ सकता है ड्रॉट uh, कोई बीमारी फैल सकती है कहां पे बीमारी फैल सकती है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना कौन कौन से हिली एरिया है जहां पर लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं टू यू वी नीड टू आइडेंटिफाई एस अगर आप शिमला जाएंगे या फिर अगर आप मसूरी जाएंगे सो पूरे रस्ते में 200 किलोमीटर की रोड के ऊपर लैंडस्लाइड नहीं हो सकती है देर आर सम स्पेसिफिक सेंसिटिव पॉइंट्स जहां पर हो सकती है एंड दोज कैन बी आइडेंटिफाई उनको आइडेंटिफाई करके उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है राइट right? तो इन सारी चीज़ों का काम है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बहुत ही बेहतरीन काम है बहुत ज़्यादा जाने बचाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एज फॉर एज आई थिंक फंक्शंस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी ले डाउन करनी है लॉजिकली एक नेशनल प्लान बनाना है मतलब कहने का ये मतलब कि जो कोरोना का डिजास्टर आया था तो इसी के नेशनल प्लान्स के ऊपर प्लान काम चला था और अब आप समझ सकते हैं कि भाई आप बार बार प्राइम मिनिस्टर को टीवी पर देखते थे क्यों देखते थे क्योंकि ही वॉज द चेयरपर्सन ही इज नॉट वॉज ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द एन में उसी उन्हीं का जॉब था डिजास्टर को मैनेज करना टू अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर बाय द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्लान गाइडलाइंस हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ड्रॉइंग ऑफ द स्टेट प्लान यूजुअली अगर आप देखोगे तो दर इन ऑर्गेनाइजेशंस जो सेंट्रल पर है उसी प्रकार की स्टेट भी बनाई जा सकती है अब नेशनल डिजास्टर देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो एक ही है ओके दिस इज वन फेडरल एजेंसी उसके पैरल एनोलॉजिकल स्टेट में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है वाई क्योंकि यू कैन इमेजिन मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं उनको एक फेडरल एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है प्रोसिक्यूट कर सकती है चाहे किसी भी स्टेट में हो एक ही जाके, एक ही जाकर हैंडल कर सकती है बट डिजास्टर इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग डिजास्टर किसी भी स्टेट में कभी भी हो सकता है और मल्टीपल डिजास्टर्स हो सकते हैं इंडिया में एक गिवन पॉइंट पर एक जगह पर बाढ़ आ सकती है दूसरी जगह पर ड्रॉट है तीसरी जगह पर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो स्टेट में एनडीएमए के पैरेलल एनालॉजिकल एक एसडीएमए भी होती है यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ओके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है और दूसरे मेंबर्स होते हैं नॉट एक्सिडिंग नाइन सेम टू ये पैरल सेम टू चीजें फॉलो करती हैं चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन ऑफ कि ये वही स्लाइड है जो कि एनडीएमए के कॉन्टेक्स में थी इसमें कुछ नई चीज नहीं, नहीं होगी Uh, joe chairperson of the state executive committee is the ex officio member of the sdma other members not exceeding 8 are nominated by the chairperson of the sdma ये सारी की सारी चीजें जो एनडीएमए में है वैसी उसी प्रकार से एस में है ए में चेयरपर्सन ऑफ द एसडीएमए डी वन ऑफ द मेंबर एज द वाइस चेयरपर्सन यानी कि चीफ मिनिस्टर वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है यहां पे चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन है वहां पे वो एक मेंबर को वाइस मेबर्सन बना देते हैं पे ये वाइस पर्सन बना देते हैं दैट इज इट इसके अलावा और इसमें कोई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको कोई प्लीज इज कंसर्न यू नीड नॉट वरी एनडीएमए वाला याद कर लो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके यहां पर लगा देना दिस वॉज इट